तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, रेनबो का फॉर्मेशन होता कैसे है, क्या ऊपर कहीं पर प्रिज्म लगे हुए हैं जिससे व्हाइट लाइट आ रही है और रेनबो फॉर्म हो जा रहा है। तो जी हाँ, बिल्कुल ही प्रिज्म लगा हुआ है, बट वो प्रिज्म हमारा ग्लास का नहीं है, वो नेचुरल प्रिज्म है जो कि वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होता है। अब कैसे कह सकते हो सर आप, ये देखो, कभी बिना बारिश के तुमने रेनबो देखा है? नहीं देखा होगा। क्यों नहीं देखा होगा? क्योंकि मैंने क्या बोला, ऊपर प्रिज्म है लेकिन वो वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में है। तो जब बारिश होती है, ये बारिश के जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ये एक एक वाटर के ड्रॉप्स प्रिज्म की तरह काम करते हैं, और जब ये प्रिज्म की तरह काम करते हैं तो इसमें जब सन की व्हाइट लाइट जाती है तो इसे 7 कलर्स हमें मिलते हैं। और ये इतनी बड़े अमाउंट में होता है ना, इतने बड़े अमाउंट में, बहुत सारी ड्रॉपलेट्स हैं, इतने बड़े अमाउंट में होता है कि हमें एक बहुत बड़ा सा रेनबो देखने को मिलता है, राइट? अब इस चीज को यहाँ पे समझ लेते हैं। देखो, ये हमारी एक वाटर ड्रॉप, रेन ड्रॉप जिसको लिखा है हमने, सब व्हाइट लाइट जा रही है। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये ऐसा प्रिज्म काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि पहले लाइट इधर गई और ये डिस्ट्रीब्यूट होकर इधर आ रही है। अब डिस्ट्रीब्यूट होकर जब ये फैली तो ये क्या बना, पूरा का पूरा विबग्योर बना। क्यों? क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट्स वर्क एज अ प्रिज्म, तो वाटर ड्रॉपलेट्स को हम नेचुरल प्रिज्म भी कह सकते हैं, राइट? तो इस तरह से रेनबो का फॉर्म होता है। अब सोचो, एक लाइट निकली, एक वाटर ड्रॉपलेट्स, बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं अर्थ में, अर्थ के ऊपर तो बारिश के समय बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, तो ये फिर हमें एज अ रेनबो दिखाई देता है, एज अ रेनबो। तभी हमें लगता है कि भाई ये रेनबो सर्कुलर फॉर्म में जा रहा है। समझ में आई बात? यही रीजन है रेनबो के फॉर्मेशन का।